Hello, a very good evening to all of you guys and welcome to you all on our YouTube channel Diva Academy. सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल दीवा एकेडमी पे। और ये जो क्लासेस है, अगर हम बात करें, आशा करता हूं कि आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो भी कर रहे होंगे और अपनी स्टडी में जो आपकी सेल्फ स्टडी होगा वो भी कहीं ना कहीं आप अपने साथ एक न्याय दे रहे होंगे अपनी अच्छे एग्जाम को, मतलब एक अच्छे लेवल के प्रिपरेशन में। बच्चे सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट आ जाए और आई थिंक एवरीथिंग परफेक्ट, साउंड क्वालिटी परफेक्ट है और एक अच्छे लेवल की, आपको पता है I'm trying my level best to provide a better content। अगर हम बात करें एक अच्छी बेस को तैयार करने में, जो बच्चे KVS वाले हैं या जो बच्चे CTET वाले हैं उनको भी नहीं छोड़ा हूं, जिनके कल पेपर है। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग कि आज मैं सोचा था कि थ्योरी की भी कुछ क्लासेस लेके जाऊं, कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया था, लेकिन वो मेरे पास पहुंच नहीं पाया बच्चे कंटेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट। और जो बच्चे नए हैं, कीप शेयरिंग द सेशन, कीप लाइकिंग द सेशन एंड कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। बच्चे फटाफट आ जाए। दीपिका सारस्वत जी, राधे राधे। और KVS वाले बच्चे कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत है, आपको फॉर्म फिलअप करने का भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, तो हम लोग स्टार्ट रफ्तार में करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें सिंपल, सिंप्लीफाई में और जो हायर लेवल तक ले जा सकता हूं। नैना सिंह जी, क्रिएटर्स, सभी को वेरी गुड इवनिंग बच्चे। और आशा करता हूं कि इस ठंड के बहुत ही मजे ले रहे होंगे और मजे से पढ़ें। अच्छे क्विल्ट, राजस्थानी क्विल्ट है बच्चे, उसी को एंजॉय करते हुए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। ठीक है, चलिए। चैती पैकरा, अच्छा, तो एक बच्चा मुझसे, आई थिंक देखो जो बच्चे उस ग्रुप में, जो आपका, जो हमारा दीवा एकेडमी चैनल का जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम में, जिसमें जो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ए टू एक भवानी सर के क्लास में आती है। अच्छा, कोई आता होंगे बच्चे। देखो मैं एक बच्चा, जैसे जब भी लगे कि उनमें चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा कोई क्या नाम है, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें शायद पॉपुलेशन पैरामीड से था। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें बच्चे, आप लोग रीड आउट करें और उसके बारे में खुद थॉट लिखें सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करें और किसी को कहीं भी, चाहे वो KVS के एक हायर लेवल तक मैं ले जाऊंगा और चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चाहे CTET, ठीक है, CTET वाले बच्चे और KVS वाले बच्चे रेडी रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, तो रफ्तार में आंसर देना। ठीक है, तो ये है संपूर्ण EVS NCERT पैटर्न है, 3rd 4th 5th। और अगर आपने पूरे उस प्लेलिस्ट को तैयार किया होगा, पढ़ा होगा तो बच्चे CTET रिवीजन वाला, तो उसे करके जाएं बच्चे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाई में कर दिया हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर आप इन सारे सेशन को देखा होगा, तो यू कैन इजिली पॉइंट आउट, आप इजिली सब चीजों को निकाल सकते हो, कैसे मुझे एलिमिनेट करना है, कैसे चीजों को रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें सभी क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग संगीता जी। अच्छा, तो देखो परमिंदर कौर जी, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, ये क्वेश्चन सभी जरूर पढ़ें। देखो पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें, तो पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये एक इंडिकेटर भी होता है, ये एक प्रकार का सूचक है कि हमारा पॉपुलेशन में कितने वर्किंग क्लासेस है या वर्किंग एज है। बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड डिफाइन करता है आपका एज स्ट्रक्चर को बच्चे। ठीक है, एज स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और जैसे हम उसमें पढ़ते हैं कि अगर हम बात करें जो वर्किंग ग्रुप की बात करें, ये वर्किंग एज को हम डिफाइन करते हैं 15 टू 59, तो ये 15 टू 59 एज ग्रुप वाले की उनकी पॉपुलेशन क्या है, तो हम उस तरह से दर्शाते हैं कि कितने ओल्ड एज के हैं। तो दीज थिंग्स या दीज कैरेक्टर्स आर डिफाइंड, और हम कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का एक स्पेशल फीचर होता है, वो किससे हम मापते हैं, तो ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू मापते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन। हम लोग फटाफट करते हैं रफ्तार में, और रफ्तार में सभी लोग पार्टिसिपेट करें और लाइक और लाइव, अगर हम 30 बच्चे लाइव हैं तो 30 लाइक होनी चाहिए। जय हिंद जी। इंटरेक्शन, अगर आपसे पूछा गया है जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोटाइप या नीच या इकोसिस्टम या इकोसिस्टम। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चलिए हाँ फटाफट रफ्तार में। देखो अगर हम बात करें इकोलॉजी क्या होता है, इको टाइप क्या होता, हो सकता है आने वाले पेपर में इको टाइप पूछ लिया जाए आपसे। देखो इको टाइप बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम बात करें इको टाइप के बारे में, इको टाइप होता क्या है, जैसे एक इमेज के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे इसमें एक प्रकार का सेम ऑर्गेनिज्म है, अगर हम बात करें सबको सपोज करो ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है और यहां से ट्रांसफर करके वो दूसरे हैबिटेट में चला जाता। सपोज करो H1 हैबिटेट है, यहां पे आ गया, यहीं से एक पॉपुलेशन निकल के जनसंख्या से एक स्पीशीज दूसरे हैबिटेट में आ गया और यहां उस कंडीशन में सरवाइव कर लिया और इस कंडीशन में ये A सरवाइव कर लिया, मतलब जेनेटिकली तो दे आर सेम। जेनेटिकली अगर पूछा जाए, जेनेटिकली अनुवांशिक तौर पे ये दोनों सेम है लेकिन अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है इकोटाइप। ठीक है इकोटाइप। जैसे फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप क्या होता है कि फिनोटाइप देखने में सेम है, देखने में सेम लग रहा है क्योंकि अगर यार सेम स्पीसीज है, यही स्पीसीज उठ के आया यहां, लेकिन जेनेटिकली उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस तरह के सिस्टम को कहा जाता है इकोटाइप। क्या आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, द आंसर शुड बी द इकोसिस्टम। याद रखें बच्चे, जो भी बच्चे डी के साथ हैं दे आर वेरी करेक्ट। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मैक्सिमम चीजें हम कवर करेंगे। बायोटिक और अबायोटिक और इसका स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। और नीच की बात करें तो इट इज, हम कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जहां सर्वाइव करता है उसे बोलते हैं नीच। अगर हम बात करें जैसे हम इस एरिया में रह रहे हैं, यहां पे जो मेरा इंटरेक्शन, ये मेरा हाउस की बात करें या इस स्टूडियो की बात करें, यहां पे मैं सरवाइव कर रहा हूं, ये मेरा नीच है। ठीक है इसे बोलते हैं नीच। तो द वेरी करेक्ट आंसर इकोसिस्टम होगा, अबायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। चलिए Which of the following is most stable ecosystem? अगर आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रल तो कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र है, क्या वो फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पहाड़ है या महासागर है? फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है या ओशियन है? क्वेश्चन पूछा रहा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अगर हम बात करें स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता, सबसे पहली बात ये याद रखें, जब भी कोई ज्योग्राफिकल चेंजेज आए, जब भी कोई अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो चेंजेज आए और उस पर कोई भी इफेक्ट ना दिखे, वैसे इकोसिस्टम को हम कहते हैं स्टेबल इकोसिस्टम। क्या ये फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है या ओशियन है? प्लीज आंसर इस क्वेश्चन और सेशन को लगातार शेयर करें बच्चे रफ्तार से। एएन भारती जी बोल रहे हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की बात करें तो जो बच्चे फॉरेस्ट हैं दे आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। याद रखें फॉरेस्ट इतना आसान नहीं होगा बच्चे समझने की। स्टेबल इकोसिस्टम में क्या बोला, जब भी कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन का चेंजेज हो तो उसमें ना के बराबर देखे। बहुत ही बढ़िया नैना सिंह जी। और जो बच्चे ओशियन के साथ हैं दे आर वेरी करेक्ट। जब कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है और नेचुरल डिजास्टर के वजह से जिस इकोसिस्टम में उथल पुथल हो जाता है वो आपको दिखता है बच्चे, वैसे उसमें चेंजेज होता तो उसको हम नहीं बोलते कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। जैसे अगर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे फॉरेस्ट में ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत उछल पुथल देखने को मिलेगा, डेजर्ट में देखने को मिलता है, माउंटेन में मिलेगा, बट ओशियन महासागर में कोई भी प्रकार की चेंजेज नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है बहुत ही बढ़िया बच्चे, जो डी के साथ हैं दे आर वेरी करेक्ट। ठीक है और सेशन को शेयर करें लगातार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये सारे। Which of the following is not a natural ecosystem? देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। वेरी गुड इवनिंग पूजा शर्मा जी, लगातार सेशन को फॉलो करें और आराम से। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की बात करें जिसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्या बोलते हैं बच्चे? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर क्या होता है? यह एक ऐसा अध्ययन है जहां पे हम जंगलों को संरक्षण करते हैं, जंगलों का विकास करने की अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एएन भारती बोल रहे हैं कि सर पॉन्ड होना चाहिए, कि पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर मैं लगा दूं अभी बच्चे, क्या बोल रहे पॉन्ड कैसे, तालाब को क्यों बोल रहे बच्चे? गार्डन है, आंसर है गार्डन। हम बगीचा को लगाते हैं, नॉट पूछा है बच्चे, नॉट। बगीचा को क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया नैना सिंह जी, गैरवाल लता जी, जो सी के साथ है। गार्डन इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, चाहे आप लेक की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें या पॉन्ड की बात करें, ये सारे के सारे आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम है जो जिसमें मानव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आर्टिफिशियल उसे हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे इकोसिस्टम जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वैसे इकोसिस्टम को कहा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। तो गार्डन, गार्डन बगीचा हम खुद लगाते हैं, ठीक है, जैसे बगीचा में अलग अलग पौधे लगाते हैं, ठीक है, गार्डन। अब यहीं पे एक दूसरा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम में एक होता है एरियल एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो बहुत ही चीजों को समझे बच्चे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, एक को बोला जाता है लैंटिक और एक को बोला जाता है लॉटिक। लैंटिक का मतलब होता है जो मोशनलेस होता है, जिसमें कोई गति नहीं होता है, जिसमें कोई गति नहीं होता, उसमें पानी क्या होता है, स्टेगनेंट होता है, उसमें पानी स्टेगनेंट होता है। जैसे लेक की बात करें, पॉन्ड की बात करें, ये लैंटिक इकोसिस्टम है। लेकिन लॉटिक की बात करें जो फ्लो करता है, जो फ्लो करता है, जिसमें गति होती है, जैसे रिवर की बात करें, नदी की बात करें, ये कैसा है बच्चे, ये लॉटिक इकोसिस्टम है। चलिए बहुत ही बढ़िया। What is the cycle of element of an ecosystem called? क्या पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, चक्रण को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि बायोजियोकेमिकल कहते हैं, केमिकल साइकिल कहते हैं, जियोलॉजिकल कहते हैं, जियोकेमिकल। भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र या जय भू रासायनिक चक्र प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सर कंफ्यूजन है और रही है बी एंड सी में, कोई बात नहीं बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या इसे हम बोलते हैं, व्हाट इज द साइकिल ऑफ एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, अगर आपसे पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। परमिंदर कौर जी किसमें है, फोर्थ का दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आ रहा है, जो बच्चा पहला आंसर दे रहा है सीमा झा ने सी दिया, द वेरी इनकरेक्ट। याद रखना जो जियो बोल रहे, अरे यार क्या मैंने पूछा, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में दो फैक्टर होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। क्या होता है बच्चे, जैव और अजैव, ठीक है। इन दोनों के एलिमेंट को, इन दोनों के एलिमेंट का जो साइकिल बन रहा है उसे बोलेंगे बायोजियोकेमिकल, जैव भू रासायनिक। बहुत ही बढ़िया, जय भू रासायनिक। ओके परमिंदर कौर जी, क्यों टेंशन है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन बच्चे, क्या पूछा, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम, तो गार्डन ही तो है बच्चे, गार्डन ही तो है, बगीचा तो है, बगीचा को हम लगाते हैं ना, बागवानी तैयार किया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए नो कंफ्यूजन, आ जाओ। व्हाट इज द साइकिल ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना, व्हाट इज, अच्छा रिपीट हो गया बच्चे, रिपीट हो गया। रफ्तार में रात हम 11 साढ़े 10 में भी कर रहे हैं, मेक इट आउट 50 गाइस, फटाफट रफ्तार में एक एक स्टेप कर। सर क्या आपकी क्लास 8 PM से स्टार्ट हो सकती है? नैना सिंह जी बहुत ही मुश्किल से ये चीजें निकाला है। पॉन्ड को हम नहीं मान सकते बच्चे, पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड को हम नहीं मारेंगे, अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो क्लोजेस्ट आंसर बच्चे अगर हम ये बात करें, ठीक है परमिंदर कौर जी। Which of the following is an organic factor in an ecosystem? बहुत ही प्यारा, आज इकोसिस्टम का बहुत सारी चीजें हैं, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक कारक है, पूछा है which of the following is an organic factor in an ecosystem? कौन सा है बच्चे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फैट है या कार्बन डाइऑक्साइड है, What should be the correct answer? Please, yes, like लाइफ बराबर रखें बच्चे। क्या दे रहे हो, which of the following is an organic factor? ऑर्गेनिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम कार्बनिक कारक है, यस कार्बनिक कारक है, ठीक है। चलिए प्लीज आंसर इसको, लाइव अगर लाइव 40 है बच्चों, लाइव लाइक भी उतना ही रखें। बहुत ही देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ऑप्शन को समझें। देखो इसमें वसा भी दिया हुआ है, फैट भी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम बात करें चारों ऑप्शन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, बहुत ही बढ़िया यार। इसने पूछा ऑर्गेनिक फैक्टर, बच्चे ये मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक फैक्टर है, नाइट्रोजन एक ऑर्गेनिक फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे हो गया ग्लूकोज, ये क्या है बच्चे, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें इससे वसा फैट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो दीज और आर कंसीडर एज अ ऑर्गेनिक। विटामिन की बात करें तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब है ऑर्गेनिक है। तो ऐसे यार कैसे बोल रहे हो, अगर आप नाइट्रोजन किस बेसिस पे आंसर दे रहे हो, नाइट्रोजन किस बेसिस पे आंसर दे रहे हो, या कार्बन डाइऑक्साइड किस बेसिस पे आंसर दे रहे हो, ठीक है वसा होगा बच्चे, वसा द वेरी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चल लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जिन स्थानों पर भारी वर्षा होती है। देखो सीटेट वाले बच्चे, सीटेट वाले बच्चे के लिए काफी कंफ्यूजन होगा ये एकदम न्यू। अगर हम बात करें 40 बच्चे लाइव है तो बच्चे 40 तो लाइक तो बनता है, मेक इट आउट, शेयर करो ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चे। चलिए व्हाट शुड द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो बच्चे केवीएस वाले ध्यान से सुनो, ये आप लोगों के लिए बेस एक बन रहा है बच्चा। अगर जब बेस आपका स्ट्रांग होगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछें, ठीक। केवीएस कल से शुरू हो जाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। क्या बोल रहे हो, हाँ। स्टिल्ट हाउस, देखो अगर आपसे पूछा गया कि प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल है, अब वो देखो हम आपको पता, बहुत ही बढ़िया 50 लाइव है बच्चे तो यार लाइक विद बराबर करें, बहुत ही बढ़िया क्या बात है। स्टिल्ट हाउस बोला जाता है उसको, कैसा हाउस बोलते हैं बच्चे, याद रखें जिन स्थानों पर भारी वर्षा होती है उसे स्टिल्ट हाउस कहते हैं, वो स्टिल्ट हाउस कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें वहां के जो बेस है बच्चे, वहां की जो बेस है वो पानी में डूबा रहता है, उसे बोलते हैं स्टिल्ट हाउस। बहुत ही बढ़िया, टेंट के बारे में पता। और हाउस बोट की बात करें, हाउस बोट और फ्लैट समझा करें। हाउस बोट क्या होता है, वह हाउस, अगर हम बात करें वह हाउस जो जैसे डल लेक में आपको देखने को मिलता है, डोंग जिसे बोलते हैं बच्चे, ठीक है हाउस बोट। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ और देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत में, अभी आंसर करें, हमारे भारत में सबसे या सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा शहर है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली सीटेट में जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कवर करवाए उसे आराम से फॉलो करके जाएं बच्चे, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सर्वाधिक वर्षा वाला शहर हमारे भारत में कौन सा है, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, व्हाट शुड द करेक्ट। और बारिश की बात करें तो याद रखना रेनफॉल जो होता है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसे बोलते हैं रेनगूज। क्या बोलते हैं बच्चे, रेनगूज, रेनगूज क्या बोल। मेघालय में वह कौन सा शहर है परमिंदर कौर जी, ठीक है बहुत ही बढ़िया, चेरापूंजी, चेरापूंजी द वेरी करेक्ट आंसर, सर्वाधिक वर्षा वाला शहर। मौसिनराम, चेरापूंजी और मौसिनराम, अच्छा ओके ओके। तो बच्चे देखो ये करना, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो ये याद रखना मौसिनराम, ठीक है चलिए ठीक है। विच हाउस इज कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस। चलिए अगर हम तैरता हुआ, अगर आपसे पूछा जाए मौसिनराम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तैरता हुआ घर किस घर को कहा जाता है, क्या हम हाउस बोट कहते हैं, टेंट्स कहते हैं, कैनवास कहते हैं, या इग्लू कहते हैं, या इग्लू कहते हैं, प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। हाउस बोट, कैनवास, तैरता हुआ घर, अगर आप पूछा जाए फ्लोटिंग हाउस को क्या कहेंगे। इग्लू की बात करें, हाँ इग्लू की बात करें, हाँ प्लीज, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, ऑफ हाँ क्या आंसर दे रहे हो। दुष्यंत कुमार जी ए के साथ है, ए के साथ, बहुत ही बढ़िया, उसे हम हाउस बोट कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए अ हाउस ऑन द व्हील, क्या बोला पूछा मैंने बच्चा, एक घर जो व्हील पे है, अ हाउस ऑन द व्हील, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, जो पहिया पे जो घर होता है उसे बोलते हैं कैनवास, ठीक है उसे बोलते हैं कैनवास। इग्लू की बात करें तो अ हाउस विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ, जो किससे बना हुआ है, जो बर्फ से बना हुआ है, जो बर्फ से बना हुआ इग्लू। और इग्लू में कौन रहता है, एस्किमो रहती है, कौन बच्चे, एस्किमो प्रजाति। दूसरी बात ये जो टेंट है बच्चे, अगर हम बात करें इस टेंट के बारे में, यह किस प्रकार का हाउस है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये बोलते हैं टेम्पररी हाउस, ये कैसा हाउस है बच्चे, टेम्पररी, अस्थाई, अस्थाई ठीक है, अस्थाई हमेशा याद रखें, लाइक भी बराबर रखें ठीक है। क्लासेस बस आप लोगों के लिए लिया जा रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी हेल्प द एनवायरमेंट, हाउ कैन वी हेल्प द एनवायरमेंट, हम पर्यावरण की मदद कैसे कर सकते हैं, हम पर्यावरण की मदद कैसे कर सकते हैं, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग या रिसाइकलिंग, या रिसाइकलिंग। प्लीज आंसर दिस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट आपको पता है आपसे पूछ लिया जाता है कि एनवायरमेंट को संरक्षण कराने के लिए हम कौन से दिवस मनाते हैं, तो याद रखना 5 जून। 5 जून की बात करें तो 5 जून इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और एनवायरमेंट शब्द कहां से लिया गया, तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रेंच वर्ड से, जिसका होता है एनवायरन। एनवायरन क्या बच्चे, एक फ्रेंच वर्ड है, वहीं से डेराइव हुआ एनवायरमेंट, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग क्रिएट टू नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। चलिए ब्लूटूथ तो ऑफ है, यस ठीक है, समझ में आ गया, यस बहुत ही बढ़िया, फ्रेंच वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो क्या बोल रहा आंसर 9th का, बहुत ही बढ़िया संगीता राव जी, परमिंदर कौर, 5 जून, बहुत ही बढ़िया। तो सारे चीज को धागा एकदम खोल के रखें, क्योंकि यार धुआं धुआं कर दो क्वेश्चन, इस तरह से पढ़ो। ऑल ऑफ दीज अबव आपको पता है 3R, क्या बच्चे 3R, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। और आपको पता है एनवायरमेंट को हम इसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने एनवायरमेंट को दूषित होने से बचा सकते हैं। चलिए शेयर कर दो बच्चे सेशन को लगातार। क्वेश्चन नंबर 10, वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड, अपशिष्ट जल और मानव मल को कहा जाता है, क्या उसे हम सीवेज कहते हैं, सीवेज कहते हैं, इल्ड कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अबव, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अबव। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, रफ्तारी से करें, रफ्तार में करें बच्चे, यस सेशन को लगातार। और बहुत ही आसान कर दूंगा चीजों को, आपको आसानी से लगेगा, जैसे मैंने बर्बेट वगैरह भी क्वेश्चन करवाया, सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आराम से रफ्तार से देखते जाए। क्या आंसर दे रहे हो, सीवेज, बहुत ही बढ़िया। जो ए दे रहे हैं ये एक प्रकार का सॉलिड वेस्ट है, कैसा है बच्चे, सॉलिड वेस्ट है, मतलब वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या कहा जाता है, उसको सीवेज कहा जाता है, सीवेज, बहुत ही बढ़िया ए होगा। लाउड स्पीकर, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स एंड हॉकिंग ऑफ व्हीकल कॉजेज किस प्रकार का, लाउड स्पीकर बोले पटाखों या वाहनों के हॉर्न के कारण वायु प्रदूषण होता है, किस तरह का प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, या नॉइज पॉल्यूशन होगा, या नॉइज पॉल्यूशन। प्लीज आंसर, तो क्वेश्चन पूछा है 11। और पॉल्यूशन की बात करें तो हमेशा याद रखना ये हर एक तरह का अलग अलग पॉल्यूशन होता है। और अगर लाउड स्पीकर कैसा पॉल्यूशन है, अरे दुष्यंत कुमार जी, एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, ये नॉइज पॉल्यूशन, हमेशा याद रखना कैसा होता है बच्चे, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। ध्वनि प्रदूषण है, कैसा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। और यहीं पे याद रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउंड, साउंड की मापने की इकाई जो होता है उसे बोलते हैं डेसिबल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, तो याद रखें डेसिबल क्या है, डेसिबल इज द एसआई यूनिट फॉर द साउंड, ध्वनि की मापने की इकाई को कहा जाता है डेसिबल, डेसिबल, बहुत ही बढ़िया। सॉइल पॉल्यूशन आपको पता है, वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो हमारे मिट्टी में जाके हमारे मिट्टी को उर्वरकता को खराब कर देता है उसे बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सॉइल के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, क्या बोलते हैं बच्चे, पेडोलॉजी, हमें पूछा जाएगा अध्ययन, ठीक है। चलिए, डैश इज हार्मफुल गैस विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन, डैश एक हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं, वह कौन सा गैस है जो, यस बहुत ही बढ़िया, वह कौन सा गैस है जो कि एक हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है, क्या होगा बच्चे, व्हाट शुड द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा रफ्तार में आंसर दें, बहुत ही फास्ट लेके जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि एक क्विक रिवीजन पे लेके आ रहा हूं ये सारे सेशन, बहुत ही बढ़िया। उसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस है बच्चे, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी गैस के हायर कंसंट्रेशन की वजह से, यही गैस अगर हमारे एनवायरमेंट में इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, देन इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, तब ये एक प्रकार का कौन सा प्रोसेस ले लेगा बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, जिसमें टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और इसी से क्या होता है, ग्लेशियर क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। और जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो फ्लड्स होने की संभावना है, और जब फ्लड्स होने लगता है तो हैबिटेट क्या होता है, डिस्टर्ब होने लगता है, हैबिटेट डिस्टर्ब होने लगता है। बहुत ही बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वेरी करेक्ट। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चे, यह एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यह एक प्रकार का एलिमेंट्स है, किसके लिए, याद रखने, प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए, प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन क्या है, यह एक प्रकार का कंबशन में करने में मदद आता है, कंबशन मतलब ज्वलनशील में किसी भी प्रोडक्ट को जलाना है। बहुत ही बढ़िया, 50 है तो 50 लाइक करो बच्चे। अगर हम बात करें किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सा गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन वो होती है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन होता है। सर थोड़ी फास्ट, और कितना फास्ट करूं बच्चे, ठीक है। तो पूछा जाता है वह कौन सा गैस है, वह कौन सा गैस है जिसे जो जलाने में मदद करता है, जो ज्वलनशील में मदद करता, तो याद रखना वो है ऑक्सीजन, और बुझाने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 100% पूछेगा बच्चे। मटेरियल्स, क्वेश्चन नंबर 13, मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू इट कॉल्ड, टू पास थ्रू इट कॉल्ड, क्या उसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत शाबाश बच्चे, सभी बहुत ही रफ्तार में चल रहा हूं, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो लगातार सेशन को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, Materials that allow only some light to pass through it is called, क्या उसे हम translucent कहते हैं, transparent कहते हैं, opaque कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे। याद रखें आपका जो materials है वो ऑन द बेसिस ऑफ की लाइट पास करे या नहीं करे, उस पर 3 कैटेगरी पे है। तो याद रखना थोड़ी लाइट का बोल रहा है, that allow some light, उसे हम बोलते हैं translucent, translucent, और transparent में जिसमें maximum amount of light पार हो जाते हैं उसे बोलते हैं पारभासी, और जिससे पूरा अमाउंट होता है पारदर्शी, और जिससे बिल्कुल नहीं होता जैसे अपारदर्शी उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे हो गया वुड, हो गया लकड़ी, हो गया वॉल, हो गया दीवार, हो गया, ये सारे के सारे अपारदर्शी है। पारदर्शी की बात करें जैसे फॉइल पेपर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलिए लाइक भी 50 करो बच्चे, और 100 शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो प्यारा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली ये सर आपके ना कॉन्सेप्ट के लिए है। पूछा जा रहा हुआ कौन सा अदीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु की बात कर रहा है, रफ्तार में कर रहा है, क्विक रिवीजन, यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज कर दूं। नॉन ल्यूमिनस, आपको पता है वह ऑब्जेक्ट को कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो अदीप्त होता है, जो अदीप्त होता है मतलब उनके पास खुद का अपना ऑन लाइट नहीं होता है, ऑन लाइट नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो, ऑल कम दरा, अरे A2 क्रिएटर्स कैसे ऑल हो जाएगा, सन भी तो एक स्टार है, सूर्य भी क्या है, सूर्य भी एक सेलेस्टियल बॉडी, ये भी तो एक स्टार है, तो ये तो इसके पास खुद लाइट होती है। दीवार के पास यार इतना तो कॉमन कैसे बोल रहा हूं, डी 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 डी, सभी कैसे हो जाएगा बच्चे, सभी कैसे हो जाएगा। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म बोला जाए तो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ऑल ऑफ दीज अब कैसे होगा बच्चे, वॉल जब है तो स्टार क्या है, सन इज ऑल्सो स्टार। तो यही सब छोटी छोटी गलतियां आप करते रहोगे और सिलेक्शन दूर होता चला जाता है। अलूनर इक्लिप्स, क्वेश्चन पूछा गया है, अलूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द, अगर हम बात करें क्वेश्चन पूछा जा रहा है अलूनर इक्लिप्स व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, बोथ या सी या डी, या सी या डी। बहुत ही बढ़िया, क्या होगा, क्या आंसर दे रहे हो बच्चे। पूछा गया है लूनर इक्लिप्स, क्या पूछा जा रहा है, लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स का जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। पूछ रहा है कि शेडो ऑफ द अर्थ, शेडो ऑफ द अर्थ किस पे आएगा, हमेशा याद रखें इसमें बहुत ही सिंपल चीजें हैं। मीनाक्षी ए, बहुत ही बढ़िया, याद रखें सन तो एकदम फिक्स रहेगा और अर्थ इसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो अर्थ का शेडो किस पे गिरेगा, मून पे गिरेगा, किस पे गिरेगा बच्चे, मून पे गिरेगा, उसे बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स की बात करें तो हमेशा फुल मून डे में होता है। बहुत ही बढ़िया, जो ऑप्शन नंबर ए है दे आर वेरी करेक्ट। और मून क्या है बच्चे, चंद्रमा की बात करें तो इट इज अ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट, एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत ही बढ़िया, इट इज द करेक्ट आंसर। इसी से जस्ट उल्टा हो जाता है, उसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स की बात क्या करें, सन तो अपना पोजीशन फिक्स रखेगा, लेकिन अब बीच में आ जाएगा मून और इसका शैडो किस पे जाएगा, अर्थ के पास, अर्थ के पास। तो याद रखें ये दोनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर सीटेट एग्जाम की रिगार्डिंग एक क्वेरी थी, प्लीज लास्ट टाइम एक मिनट दीजिएगा। डेफिनेटली अंजलि त्रिवेदी जी जरूर पूछें। क्वेश्चन पूछ रहा है 16, अ लूनर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन, पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा डैश रात को होता है, न्यू मून को या फुल मून को, न्यू मून को या फुल मून को, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने इस पे डिस्कस भी किए, तो याद रखें किस पे करता है बच्चे, हमेशा फुल मून पे, फुल मून पे, अमावस्या में नहीं होता, हमेशा पूर्णिमा को लगता है। बहुत ही बढ़िया, याद रखें हमेशा पूर्णिमा पे लगता है लूनर इक्लिप्स। अभी मैंने बताया कि लूनर इक्लिप्स में सन अपना पोजीशन फिक्स्ड है, यहाँ पे बीच में अर्थ आ जाएगा और इसे मून हो जाएगा। हमेशा लूनर इक्लिप्स कहाँ पे लगता है, तो फुल मून डे। कब होता है बच्चे? फुल मून डे पे होता है। बहुत ही बढ़िया, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखें। फूड हैव वेरियस, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ में विभिन्न डैश दैट कीप्स अस हेल्दी होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखता है। फूड्स हैव वेरियस न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस या ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत लेट आए ज्योति बघेल जी, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा रफ्तार में एक क्विक रिवीजन पे ये क्लासेस लेके आया हूँ, और केवीएस वाले बच्चे के लिए समझो तो ये एक प्रकार का बेस बन चुका है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अब कहीं भी इसे लगाओ और एक छोटे से प्रैक्टिस डेली करो, टच में रहा करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, वो न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है बच्चे? न्यूट्रिएंट्स होता है। ज्योति सिंह बघेल जी, कंपोनेंट्स क्या होता है? देखो सब सारे गेम है शब्दों का। कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स की बात करें तो ये घटक के तौर पे है, लेकिन फूड में कोई घटक नहीं होता है, फूड में उसका पोषक तत्व होता है। देखो सब है शब्दों का गेम। अगर आपके एनसीईआरटी को सही से पढ़ा है तो आसानी से आंसर दे पाओगे बच्चे, ठीक है। Which is called बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर आपसे पूछा जा रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, क्या वो प्रोटीन है, या अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स है, या आपसे पूछा जा रहा है कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट में कोई चीज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं टर्म्स, ठीक है। प्लीज आंसर इस क्वेश्चन, क्या वो ऑल ऑफ द अबव है? बॉडी बिल्डिंग फूड पूछा जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? बहुत ही बढ़िया, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन्स को बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है? ये एक प्रकार का बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। विच गिव अस क्विक एनर्जी, कौन हमें त्वरित ऊर्जा देता है, मतलब क्विक एनर्जी कौन देता है? तो याद रखें को क्या कार्बोहाइड्रेट है, या ऑल ऑफ दीज अबव, या प्रोटीन, या फैट्स। क्विक एनर्जी कौन देता है? तो याद रखना, क्या बोल रहे हो आंसर, ऑप्शन नंबर 19 की बात करें वो है कार्बोहाइड्रेट। हमेशा याद रखें कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चे ये हमेशा क्विक। सर मैम की क्लास में उन्होंने बताया कि क्या क्या लेके जाना एग्जाम में, बट सम पीपल, एक मिनट बच्चे फिर से कर देना कमेंट यार, फिर से कर दो अंजलि त्रिवेदी जी, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, थोड़ा सा रफ्तार में निकल गया। यस, सेशन को लगातार शेयर करें बच्चे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट करें। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एक बार फिर से लिख दो बच्चे जो आपका है। फैट्स नहीं होगा गौरव धाकर जी, मतलब रिंग्स या किसी अदर ऑर्नामेंट्स वगैरह को पहन के जाने से कोई इशू है क्या? अच्छा अंजलि त्रिवेदी जी मैं अभी बताता हूं आपको, लास्ट में थोड़ा सा टाइम पे दें। फैट्स इज नॉट अ क्विक एनर्जी, इसमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है गौरव जी। फैट्स क्विक नहीं देता है, उसमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कॉज मैरस्मस, एनीमिया, ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी। हाँ प्लीज आंसर गौरव, अरे यार क्वेश्चन को समझो। एक होता है क्विक एनर्जी जो कि तुरंत ऊर्जा देती है, और एक होता है जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा, हायर अमाउंट ऑफ, वसा में ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, उस तरह की बीमारी जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी होता है तो उसे बोलते हैं मैरास्मस। बहुत ही बढ़िया। मैरास्मस में होता क्या है, उसमें वेट उस बंदे का या उस इंडिविजुअल का कम हो जाता है। वेट की बात करें, उनका वजन उनकी बॉडी का कम हो जाता है और वो लीन होता है, बच्चे वो पतला होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या ऑर्नामेंट पहनना अलाउ नहीं है? यही है, ऑर्नामेंट वगैरह को यूज करना अलाउ नहीं है ना। ऑर्नामेंट, गहना, जेवर, जवाहरात बच्चे घर पे छोड़ के जाओ ना, उसे क्यों जाना पहन के, क्या है, समझ रहे हो? गोल्ड सिल्वर क्या, क्यों इतना परेशान ना, उसको घर पे छोड़ दो। क्वाशिकोर, बहुत ही बढ़िया, ये भी है बच्चे क्वाशिकोर। क्वाशिकोर भी ये एक डिजीज है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। और ये ओबिसिटी क्या हो जाता है, जिसके बॉडी में हायर अमाउंट ऑफ फैट्स होता है, हायर अमाउंट्स ऑफ फैट्स होता है। और अनेमिया आपको पता है आयरन की कमी से होती है, जो कि अक्सर मैंने आपको डिस्कस किया है। रेड ब्लड सेल हैव अ सब्सटेंसेस कॉल्ड, क्या उसे बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। बहुत ही बढ़िया। क्या उसे हम हेमोग्लोबिन कहेंगे, टोफू कहेंगे, पेप्सिन कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव कहेंगे। ऑल ऑफ दिस अबव कहेंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चे। 60 बच्चे लाइव है तो 60 तो लाइक बनता है बच्चे। थोड़ा सा लगातार सेशन को फॉलो करें और कंटिन्यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या उसे बोलते हैं, उसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं बच्चे। हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का पिगमेंट है। ये क्या है बच्चे, ये एक प्रकार का पिगमेंट है। और इसी पिगमेंट की वजह से हमारा जो लहू है या जिसे हम ब्लड कहते हैं वो लाल होता है, वो लाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो याद रखना इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, 7.4। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछ रहा है कि बटर, कैरट, मिल्क, टोमेटो आर गुड सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद आरिफ जी, बहुत ही बढ़िया। वो ऐसे ही बच्चे, कुछ ऐसा था नहीं उससे। चलिए, बटर, कैरट, मिल्क, टोमेटो आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, या बोथ, या बोथ। देखो, अगर हम बात करें थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल को चेक करते जाएंगे तो याद रखें दीज विटामिन्स, अगर बात दीज प्रोडक्ट्स कंटेंट्स विटामिन्स ऑफ बोथ। बच्चे याद रखें यार, दोनों का दोनों मिलता है, दोनों का दोनों मिलता है। अगर हम मिल्क की बात करें उसमें आपको विटामिन डी का भी मिलता है बच्चे। बट कैरोट की बात करें विटामिन ए भी है, बटर है तो विटामिन डी भी होगा। ठीक है, टोमेटो, टोमेटो में भी है बच्चे, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, सी शुड बी द वेरी करेक्ट, वेरी क्लोज आंसर है। वो कुछ नहीं था बच्चे, बस एक ऐसे ही ऑप्शन में डाला गया होगा, बोथ होगा बच्चे। और यहीं पे याद रखें, अगर आपसे विटामिन ए पूछ लिया जाए, इसे हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेटिनॉल। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसीलिए तो आपको कैरोट खाने के लिए बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं। और विटामिन डी को बोलता है कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं बच्चे, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी से क्या होने की संभावना है, डिफिशियंसी, रिकेट्स, रिकेट्स। ये बेसिकली बोन से एसोसिएटेड है बच्चे। ये एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस, जिनके बोन्स क्या होते हैं, टेढ़ापन हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और कैरोट इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कैरोटीन। और टोमेटो की बात करें बच्चे, टोमेटो में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को थोड़ा सा मिलता है, याद रखें। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। चलो, अभी थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, आयोडाइज सॉल्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है लोहित नमक का एक अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है, आयोडीन का, आयरन का, कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। याद रखें केवीएस वाले बच्चे के लिए एक अच्छा बेस बन चुका होगा, अब तक का 15 क्लास है बच्चे। ठीक है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। 23 का क्या बोल रहा है ज्योति सिंह बघेल, अरे एएन भारती जी, आयोडी सॉल्ट में आयरन कब से होता है। क्या क्या आंसर पढ़ रहे हो बच्चे, क्यों ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। द वेरी करेक्ट आंसर आयोडीन होगा ना बच्चे। आयोडाइज सॉल्ट की बात कर रहा है, NaCl की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए आयोडाइज सॉल्ट में किसकी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन है। आयोडीन द वेरी करेक्ट आंसर। आयरन क्यों बोला बच्चे, आयरन क्यों बोला? ठीक है, मिक्सिंग वाटर टू मिल्क, मिक्सिंग वाटर टू मिल्क पूछ रहा है, इज कॉमन एग्जांपल ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, बोथ डिहाइड्रेशन, या ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर डी। प्लीज आंसर इसको, बहुत ही बढ़िया। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? थोड़ा सा रफ्तार में दें और सेशन को लगातार शेयर करें। मेक इट आउट 100 गाइज, और हम कोशिश करें कि 100 पे ही हमारा चीजें होनी चाहिए। क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ वाटर क्या बोलता है? अब जो बच्चे नए हैं सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। तरन्नुम खानम, ओके, बहुत ही बढ़िया। अरे एन भारती जी, हो क्या गया आपको बच्चे, क्यों इतना परेशान हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा बच्चे? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब हमारे शरीर से पानी निकल जाता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तब बोलते हो कि सर मुझे ओआरएस दे दो, ओआरएस दे दो। जब आपके बॉडी से पानी मैक्सिमम अमाउंट में निकलता है उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसे बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। खुद मतलब खाद्य में कुछ मिलाना, कुछ वैसे चीजों को मिलाना जो कि हानिकारक होता है, उसे बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। याद रखें, फूड एडल्ट्रेशन। अगर आप प्योर घी खरीदने जाते हो और उसमें डालडा मिला दिया जाता है उसे हमें बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं एडल्ट्रेशन, उसे बोलते हैं एडल्ट्रेशन। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। समोसा एंड पोटेटो चिप्स, समोसा एंड पोटेटो चिप्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये एक जंक फूड है, टेस्टी फूड है, हेल्दी स्नैक्स है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर सी है? क्या हो गया गौरव धनकर जी, क्यों नहीं सेटिंग होती है? चलिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ, प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। ओके, चिकमगलूर, बहुत ही बढ़िया। इशरात, और मैंने भी अपनी लाइफ ऑलमोस्ट बचपन जो है बेलगावी में दिया है बच्चे, ठीक है। बेलगांव पुराना नाम है, बेलगावी। ये एक प्रकार का, अरे क्या हो गया गुल, क्या है गुल फैशन। देख रहे बच्चे, गलत मत दो ये, कहीं ना कहीं आप इस तरह के आंसर गलत करोगे तो कैसे होगा। उसे हम जंक फूड कहते हैं बच्चे। समोसा और पोटेटो चिप्स को किस प्रकार का भोजन कहा जाता है? इट इज नॉन एज जंक फूड। जंक फूड मतलब इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ फैटी या ऑयल का इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होता है बच्चे। Which among the following is responsible for water borne diseases? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। water borne diseases मतलब नेक्स्ट में कौन सा जल जनित रोगों के लिए उत्तरदायी है? जॉन्डिस है, कोलेरा है, टाइफाइड है, या ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर टी? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? यस, सही बच्चे, थोड़ा सा लगातार आंसर में आंसर देते रहें। क्या उसे बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जा रहा है वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सा है इसमें से, टाइफाइड है या टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ दी जवाब। मीनाक्षी लक्ष्य उपाध्याय, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे डी के साथ हैं, मतलब जो ए के साथ हैं, देर सारे के सारे हैं बच्चे। चाहे आप जॉन्डिस की बात करें, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो जाता है बच्चे, ठीक है। चाहे आप कोलेरा की बात करें, हैजा की बात करें, ठीक है, जिसमें डिसेंट्री वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। टाइफाइड क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो आपके इंटेस्टाइन को ईल कर देता है। चाहे आप टाइफाइड की बात करें, दीज ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीजेस। बहुत ही बढ़िया। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? अब देखो ये क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? अगर इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? और इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। बहुत ही बढ़िया। सल्मोनेला टाइफाइड, बहुत ही बढ़िया गौरव धाकर जी। Salmonella typhi is basically a kind of bacteria which is arises a disease that is not typhoid. क्या होगा बच्चे? अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, जी एवलिन हैचिसन की बात करें, या अर्नेस्ट हैकल, या ह्यूगो डिवरीज। देखो ह्यूगो डिवरीज की बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑन म्यूटेशन पे दिया था बच्चे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, म्यूटेशन के ऊपर दिया था। रॉबर्ट ब्राउन जो कि कोशिका से रिलेटेड है, द वेरी करेक्ट आंसर अर्नेस्ट हैकल। बहुत ही बढ़िया। अर्नेस्ट हैकल हु इज नोन एज द, या हु हैज गिवन द टर्म इकोलॉजी, हु हैज गिवन द टर्म्स इकोलॉजी, ठीक है। चलिए, द हर्बीवोरस आर कॉल्ड, शाकाहारी को डैश भी कहा जाता है, शाकाहारी को डैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, या माध्यमिक उपभोक्ता कहते हैं, या ट्रेशरी कंज्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी, या ऑप्शन नंबर डी? प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। हाँ, लगातार सेशन को थोड़ा सा शेयर करें बच्चे। ये सारे सेशन आपके लिए है और फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा क्विक रिवीजन है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन गाइस, क्या होना चाहिए? क्या दे रहे हो? ए हर्बीवोरस, ऑब्वियस सी बात है जो सीधा कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो जो अगर हम फूड चेन की बात करें जो यहाँ पे लेबल होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलेंगे बच्चे? प्राइमरी कंज्यूमर है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए है, दे आर वेरी करेक्ट, बहुत ही बढ़िया प्राइमरी। बी कैसे होगा आरकेजी? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या बातें कर रहे हो, जो कार्निवोरस टाइप का होगा बच्चे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अच्छा निम्नलिखित अगर पूछा जा रहा क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फूड चेन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? घास, मेढक, कीट, गरुड़, सर्प। अच्छा घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, ओके घास। हाँ चलो आंसर दो बच्चे, क्या होना चाहिए सर ये? अरे ज्योति सिंह बघेल जी एक छोटा सा रिवीजन है सीटेट वाले बच्चे के लिए और एक दो कुछ क्वेश्चन बच्चे वाले बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, इनका ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और केवीएस वाले बच्चों के लिए ये बेस तैयार है बच्चे, हाँ केवीएस के लिए बेस तैयार है। हाँ व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? क्या ज्योति सिंह बघेल जी हो गया ना, ले लिया ना मजे? तो वो बच्चे बी के साथ जा रहे हो, बच्चे जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हो बहुत ही बढ़िया। हाँ क्या दे रहे हो? बी हो गया, ले लिया मजे? आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर वाकई में बी होगा बच्चे, द वेरी करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो याद रखना पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और फिर बल्चर या गरुड़, बहुत ही बढ़िया। तो 63 लाइव है बच्चे, तो 63 लाइक करें, है ना? 63 लाइव है तो 63 लाइक भी करें, ठीक है? मेक इट आउट 100 गाइस, हो गया ना? ज्योति सिंह बघेल जी गलत कर दिया ना आंसर, आपने सी के साथ चले गए। हाँ अच्छा ये बताओ व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, अब मुझे बताएं कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। अगर 60 बच्चे लाइव है तो देखें कितने बच्चे देते हैं। हाँ बताना क्या होगा? चलो कैस्केटा, देखो कितने बच्चे होशियार हैं आप लोग। कैस्केटा, अमर बेल की बात करें इनमें से किसका एक उदाहरण है? अमर बेल की बात कर रहा है तो उसका किसका उदाहरण? बस हो गया ना? नहीं बच्चे आप सच्ची सच्ची बोला, आपका सी आंसर था, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बोला कि सी आंसर दे रहे हो। चलिए पता नहीं, हो गया ना? बहुत ही बढ़िया। पापिया घोष, सर बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों की पढ़ना पड़ता है। ज्योति आप सीनियर हो गए हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे। क्या बोल रहे हो इसका आंसर? चलो अब आंसर देख रहा हूं, क्या दे रहा गौरव जी? पैरासाइट, बहुत ही बढ़िया पैरासाइट होगा बच्चे। पैरासाइट की मतलब आपको पता है, ये है जो कैस्केटा जो अमर बेल है जो आपको येलो येलो कलर का दिखता है और नेट स्ट्रक्चर किसी न किसी पेड़ के ऊपर, किसी न किसी पेड़ के ऊपर क्या करता है? अपना भोजन यापन करता है। तो याद रखना ये कैसा है? ये एक प्रकार का पैरासाइट है, बहुत ही बढ़िया। अमर बेल, अमर बेल एक प्रकार का पैरासाइट है। यस परिपल जी, व्हाई डोंट यू लाइक गाइज, व्हाई डोंट यू शेयर गाइज? कोशिश करें, इसे बोलते हैं परजीवी, परजीवी हमेशा याद रखना परजीवी। और सेप्रोफाइट्स क्या होता है बच्चे? सेप्रोफाइट्स जैसे स्कैवेंजर्स होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, जो डेड एंड डीके मटेरियल खा। अरे यार इतना भी हेट मत करो। चलो एल्गा ब्लूम, अगर आपसे पूछा जाए शैवाल को फलने का क्या कारण होता है? अलगा ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, सैलिनेशन, यूट्रोफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन, या जैव आवर्धन। अच्छा संगीत राव जी, अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कशन के तौर पे किया होगा बच्चे। बहुत पापिया घोष जी मुझे पता चल गया, यू आर बंगाली, आई डोंट नो हिंदी वेरी वेल, इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन वेरी मच हेल्प मी। अरे बच्चे मैं तो इंग्लिश वर्जन ही लेके आ रहा हूं। सी 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 सी, बहुत ही बढ़िया। इसे हम बोलते हैं सुपोषण, इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, हमेशा याद रखना यूट्रोफिकेशन। अलगा ब्लूम की बात करें रिजल्ट फ्रॉम यूट्रोफिकेशन, क्या मुझे आपको लगता है कि इन बच्चों को यूट्रोफिकेशन की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता। यूट्रोफिकेशन क्या किसी को जरूरत है? देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये जब किसी पॉन्ड में, किसी वाटर की बात करें या एक्वेटिक सिस्टम में हायर कंसंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत ही बढ़िया मेरे सलमा बेगम जी फ्रॉम बंगाली, कहाँ जो बच्चे बंगाल से लाइव हैं किस किस रीजन से हैं प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत ही बढ़िया यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन इट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। बच्चे जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात करते हैं, ठीक है चलिए। फूड वेव इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट। खाद्य वेव संयोजन तथा एक दूसरे पर निर्भर एक प्रणाली है। क्या है बच्चे, बहुत ही बढ़िया चलिए मेक इट आउट 100 गाइस। अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य वेव संयोजन एक दूसरे पर निर्भर है, क्या है? फूड वेव इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ फूड साइकिल, फूड चेन, फूड सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर डी। आप तो एमपी से है ना ज्योति बघेल सिंह से, सर प्लीज ये क्वेश्चन का आंसर फिर से एक्सप्लेन। कौन सा बच्चे? अच्छा अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं बच्चे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए जो फार्मर्स होते हैं, देखो एग्जाम एकदम बहुत ही सिंपल है, जो किसान होते हैं वो अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं जैसे यूरिया हो गया, जैसे यूरिया हो गया। और जब बारिश होती है तो ये केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में ही रहता है, और जब बारिश होती है तो यह मिट्टी जब क्या कहता है इरोजन हो रहा है, या अगर बात करें उर्वरक जो है वो उसी बारिश के साथ जब बहने लगती है तो किसी ना किसी तालाब में जाके इकट्ठा हो जाता है, वो हायर अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इकट्ठा हो जाता है, और इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीजन है, अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसकी मात्रा कम हो जाती, क्योंकि ये जो केमिकल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और ये किसको रिजल्ट करेगा, एल्गा ब्लूम। एल्गा ब्लूम एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे जैसे उसका जीवांत वहां पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगता है तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इसे भी यूज करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है बच्चे। जैसे हम इसको चेक करते हैं बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है तो वहां पे मछलियां मरने लगती है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन, इस प्रक्रिया को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। बहुत ही बढ़िया 70 बच्चे लाइव हैं तो 80 देख रहे हो बच्चे, अभी भी आपके दिवा एकेडमी पे इस समय जीता जागता 70 लाइव है, ठीक है। तो मेक इट आउट 100 गाइस। देखो रात का समय बच्चे, ठीक है, और केवीएस में तो धुआं समझ में आ गया बच्चे, इसे हम बोलते हैं। अच्छा इसका दो आंसर 6th वाला, हाँ परमिंदर कौर जी अच्छा लेवल आएगा। आई एम फ्रॉम बट हिंदी, अरे आसन नेहा, आई एम फ्रॉम आसनसोल सिटी से हूं। अच्छा बहुत ही बढ़िया नेहा सिंह जी, ठीक है, क्या आंसर दे रहे हो इसका? तो आसनसोल में कहां से बच्चे? जैसे देखो आसनसोल से शुरू होता है, और अगर हम बात करें लिलुआ भी एक स्टेशन हावड़ा से पहले, वहां तक अपना रिलेटिव है बच्चे। ऐसे हावड़ा में भी अपना अलग अलग रिलेटिव है। बहुत ही बढ़िया, उसे बोलते हैं फूड चेन, बोला जाता है बच्चे फूड चेन। आसनसोल, पांडेश्वर, ये कोल्डफील्ड एरिया है बच्चे, यहीं पे मैं रहता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पापिया घोष जी बहुत ही बढ़िया, रफ्तार से आंसर दें। पूजा बसु जी राधे राधे, ओके बहुत बढ़िया नेहा सिंह जी। तो बताया तो सलमा बेगम जी द सिटी ऑफ जॉय, हाँ यस ज्योति सिंह बघेल जी प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? अरे ये क्वेश्चन तो अभी पूछा गया था, एज एन क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। किस, अच्छा आर्टिफिशियल, सही बात है। क्या अभी क्वेश्चन देखो अलग थोड़ा सा लेट नाइट लाइव चल रहा हो, यस बच्चे हम तो रात के। और बहुत बहुत शुक्रिया संचित जी, क्या था? अरे नू पढ़ ले बच्चे, नू ये करके मानेगा छोरा। द वेरी करेक्ट आंसर गार्डन, बगीचा। ठीक है, अभी अभी तो क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कित जा रहा है, ओके चल। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर आपसे पूछा जा रहा है अजैविक अकर्मणीय कचरे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को निपटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या है बच्चे? व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? ताड़ाताड़ी आंसर देने को क्या होगा? जलाना, ढेर लगाना, दफनाना या पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। यस, व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? क्या आंसर दे रहे हो? डी 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 डी। पूछा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बर्निंग तो करना मुश्किल है बच्चे, बर्निंग नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें जो रिसाइकल, ज्योति सिंह, बर्निंग का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट हम जलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो याद रखना, तो हम रिसाइकलिंग करेंगे। द वेरी करेक्ट आंसर रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। बहुत ही बढ़िया। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी की पूछा जा रहा है। देखो पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, हाँ सॉइल होना चाहिए, चाइल्डहुड होना चाहिए, ग्राउंड वाटर या स्किन डिजीज, या स्किन डिजीज। बहुत ही बढ़िया। क्षमा वर्मा जी, ज्योति जी इसके पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था, गुरु जी ने बगीचा ही बताया। यस बच्चे, मोस्ट अप्रोप्रिएट, बर्निंग करेगा इथिलीन गैस निकलेगी। हाँ रे ज्योति सिंह बघेल जी, चलिए क्या दे रहे हैं? हाँ, जॉनी सरफ जाट, द वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द सिटी ऑफ जॉय। डी कैसे होगा बच्चे? ग्राउंड, अरे पूजा वशिष्ठ जी क्या नशे में ले रहे हो क्लास? क्या बच्चे रात का समय है? नहीं नहीं बच्चे, वो एक्चुअली देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट गार्डन इज द वेरी करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, Which of the following plants has root nodules? निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो क्या होगा आंसर बच्चे? लिग्यूमिनस प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट, एपीफाइटिक प्लांट या एक्वेटिक प्लांट, या एक्वेटिक। Which of the following plants has root nodules? निम्नलिखित पौधों में किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? किसके जड़ों में गांठें होती है? अच्छा, कुकिंग विथ रिया, यू आर फ्रॉम बीरभूम, बहुत ही बढ़िया। सिउड़ी, बहुत ही पास हो बच्चे आप तो, सिउड़ी बीरभूम। अगर हम बात करें मोराक्षी, अगर हम बात करें बहुत ही लोकल ट्रेन है जो कि हावड़ा से जाती है और आई थिंक सिउड़ी बीरभूम से ही वो स्टार्ट करती है बच्चे वो ट्रेन। ठीक है, पांडेश्वर होते हुए जाती है वो। क्या दे रहे हो आंसर बच्चे? लिग्यूमिनस, बहुत ही बढ़िया। द वेरी करेक्ट आंसर, अरे बच्चे बहुत बढ़िया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे। ठीक है, चलिए, द वेरी करेक्ट लिग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये मत बोलना सर लिग्यूमिनस प्लांट्स बताओ, लिग्यूमिनस प्लांट बहुत ही सिंपल, बार में बताया था। लिग्यूमिनस प्लांट वैसे प्लांट्स को कहा जाता है जो पल्सेस होते, जो हाईली प्रोटीनियस प्लांट होते बच्चे। अरे नेहा सिंह जी, अरे आसनसोल आके मैं मिल लूंगा बच्चे आप सभी से बहुत जल्दी। चलिए, हाँ क्या आंसर दे रहे हो? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां से स्थित है? कहां स्थित है? क्या है? वेयर इज द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? तो बहुत ही बढ़िया, नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ इज द वेरी करेक्ट आंसर बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। अरे देहरादून, वो फॉरेस्ट वाला बच्चे, कौन आंसर दे रहा है देहरादून? द वेरी करेक्ट आंसर लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बच्चे? रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सॉलिड वेस्ट, द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, द सॉलिड वेस्ट, अगर हमारा सॉलिड वेस्ट से और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? प्लीज आंसर इसमें। बहुत ही बढ़िया। हाँ, रफ्तार में बच्चे थोड़ा सेशन को लगातार शेयर करना। जो बच्चे नए हैं, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग द सेशन एंड कीप शेयरिंग द सेशन गाइस। व्हाट शुड द करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए? यस, केवीएस वाले बच्चे टेंशन ना लें। हाँ, क्या आंसर दे रहे हो? ओके, संचित आनंद जी, बहुत ही बढ़िया। डेफिनेटली क्या दे रहे हो आंसर? अरे यार, सॉलिड वेस्ट को क्या बोला जाता है? ए और सी दैट इज स्लेज बोला जाता है, या हम कहते हैं सीवेज बोलते हैं उसको। स्लज ही होगा बच्चे, अगर एनसीईआरटी को देखो स्लज है। द वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। रेशम की कीट सामान्यतः किस पेड़ पर? ओके, बहुत ही प्यारा। ऑन विच ट्री आर सिल्क वॉर्म्स जनरली रेयर्ड। बहुत, जैसे जैसे रात हो रही वैसे वैसे अपनी ऊर्जा भी बढ़ रही है। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा सिल्क वॉर्म्स, आपको पता है कि इससे होते हैं सिल्क बनाते हैं बच्चे, तो इसीलिए बोलते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं बच्चे? सेरिकल्चर। और ये किस पे होता है? सहतूत, जिसे बोलते हैं मलबरी ट्रीज। कैटरपिलर कौन होता है बच्चे? कैटरपिलर, और वह अपने लार्वा में कन्वर्ट करता है। बहुत, सहतूत, मलबरी ट्रीज। चलिए, हीट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। अरे, उष्मा परिवेश का कौन सा घटक है? बायोटिक है, अबायोटिक है, या बोथ है बच्चे, या बोथ है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, मेक इट आउट 100 गाइस। क्या कर रहे हो? हाँ, देखो अब ऐसे कितने सारे, बहुत सारे बच्चे बंगाल से, हमारे बच्चे देखो बंगाल से बहुत सारे बच्चे। अच्छा, चलिए देखो, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चे। उस जो टेलीग्राम है उस पर लिंक आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला गया है, उसे पिन करें, उससे जुड़े बच्चे। ठीक है। और उससे जुड़, जैसे हो गया कुकिंग विथ रिया, जो है वो सिरभूम से है, बीरभूम से नहीं, वो अलग एक्टिविटी जा रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, अरे मेक इट आउट 100 लाइक गाइस। क्या कर रहे हो? हाँ, और ये है, इससे जुड़ जाना, क्योंकि इसी पे सारे आपको पीडीएफ मिलेगा। अरे हीट के क्या आंसर दे रहे हो? ओके, सलमा बेगम जी, बहुत ही बढ़िया। अंतरिक्ष सिंह, क्या देखो, हीट पूछा है बच्चे, उष्मा पूछा है, तो उष्मा को कैसे आप लोग बायोटिक कंपोनेंट कर रहे हैं? नॉट यार, सर हरियाणा से भी है बट सीटेट एग्जाम के लिए नहीं। अरे कोई बात नहीं, सुनो कैसी बातें कर रहे हो बच्चे। क्या हो गया गौरव धाकड़ जी? ये टीचिंग वाले बच्चे। अबायोटिक होगा बच्चे, अबायोटिक, अजैव घटक होगा। अरे बायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ है। ऑल लिविंग बींग्स आर कंसिडर एज ए बायोटिक कंपोनेंट एंड ऑल नॉन लिविंग बींग्स आर कंसिडर एज अबायोटिक, जो निर्जीव होता है। कैसे आंसर दे रहे हो यार? चलिए, ओहो, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने रफ्तार में किया। ठीक है। ये सारे पीडीएफ आप तक मिल जाएगा बच्चे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन गाइस। ठीक है। अब बताओ किसको क्या क्या दिक्कत है। ठीक है। रॉक हो गया, सॉयल हो गया, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। यस, सीटेट क्या है गौरव धाकड़ जी? इट्स ये एक प्रकार का टीचिंग एग्जाम को आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग पेपर है बच्चे ये। ठीक है। ओके, विनोद यादव जी, बहुत ही बढ़िया। बिहार की राजधानी पटना, और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्रा को बसाने वाला शहर कौन सा शासक है? तो उदाइन है। ठीक है। हम सर मजा आ गया। चलिए, मजा आना चाहिए। अब बहुत जल्दी सोनू कश्यप जी, आप लोगों को लिए भी ध्यान में रखा जा रहा है, आप लोगों के लिए भी किया जाएगा। ठीक है। अंजलि त्रिवेदी जी, आई होप यू गॉट, आई हैव ऑलरेडी क्लियर योर क्वायरी, कि आप कोई भी गहना वहना ना पहन के जाए। क्या होगा बच्चे? कौन सा आप लग रहा है कोई फेस्टिवल मूड में जा रहे हैं, एग्जाम ही तो देने जा रहे हैं, क्या करोगे गहना? यस सर, ये जो देखो ऐसे 8 से 9 होता है मोहम्मद, जैसे सेलवास हो गया, सवानाज हो गया, पंपास हो गया, कैंपोस हो गया, दीज ऑल आर द जैसे डाउन्स हो गया। तो इस तरह से आप जब ट्रॉपिकल नहीं सॉरी प्रेरीज हो गया, थैंक यू ठीक है, स्टेपीज सर जी अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं सर, नहीं सर मुझे पता नहीं था तो इस रूल के बारे में मैं रिंग्स ईयर रिंग्स सब घर रख के जाऊंगे। हाँ बच्चे क्या ही करो, थोड़ा सब चीज उतार देना जो है बच्चे आपके गहने आभूषण। अरे गौरव धाकर जी ये सब बोलने वाली ये सब भावनाएं हैं, एंड प्लीज डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, ये थोड़ा सा न्यूसेंस होते हैं ठीक है। गौरव सिंह आई होप काफ़ी आप मैच्योर्ड हो और काफ़ी आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। वी ऑल आर हेयर टू गेट अ गुड स्टडी, हम कोशिश करते हैं एक अच्छे अध्ययन माहौल जिस तरह है उसी में ढले पले ठीक है। दिस ये सब समझा करें ठीक है गौरव जी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स और आप भी अपने फीलिंग्स। ये देखो एक होता है हर एक का अपना अपना हार्मोन्स होता है और ये हार्मोन्स रिलीज होता है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है बच्चे, बट इसे किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। इट्स ऑल योर इमोशंस ठीक है, ये इमोशंस हैं। आरके सिंह जी यही क्लासेस का टाइमिंग है ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस और आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। व्हाट एवर यू वांट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को फिनिश हो जाता है आप जरूर अपने कमेंट्स लिखें और क्या क्या हम आप ले सकते हैं, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम।